शाकाहार को जीवन का आधार बताया गया है, और मैं सिर्फ अपना बिलीफ सिस्टम या उस पर बात नहीं करूंगा, बल्कि जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो ह्यूमन प्रकृति है, उस विषय पर मैं बात करूंगा। तो पहले मैं अपना पावर पॉइंट के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बोला है शाकाहार के विषय में, कि जो मनुष्य का स्वास्थ्य है और पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो जीवन है, उसके सर्वाइवर के लिए जितना शाकाहार आवश्यक है, उतना उसका बहुत ज्यादा महत्व है। और ना सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि हमारे मानसिक, हमारे भावनात्मक, हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए शाकाहार बहुत ज्यादा आवश्यक है, और हर प्रकार से ये मनुष्य को स्वस्थ रखता है। इसी तरह संपूर्ण जीवन जो पृथ्वी पर है, उसके संरक्षण के लिए, जीव दया सबके लिए शाकाहार आवश्यक है। मैं आपसे एक छोटा प्रश्न करना चाहूंगा। तो मैं एक छोटा सा आपसे टेस्ट लूंगा, जो हम जानेंगे कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी ऑपरेट करती है। ये पिक्चर है, आपने बहुत कॉमन देखी होगी, कि कोई भी जानवर है, ये रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आपने कई बार आते जाते पड़ा हुआ देखा होगा, जानवर रोड पे पड़ा रहता है या मर जाता है वहां। तो आप में से कितने लोग हैं जिनकी इच्छा होती है कि मैं जाके इसको खा लूं, फटाक से जाऊं, इसको चीरू फाड़ू और खा लूं? ऐसा कोई है जिसका ऐसा मन होता है? कोई है तो बताए। वो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका ये मन होता हो कि जानवर को खा लूं, या किसी को ऐसे सपने नहीं आते होंगे कि मैं देख रहा हूं कि मुझे भेड़ दिख रही है या बकरी दिख रही है, और उसको मैं अपने हाथ से काट रहा हूं, मुंह से खा रहा हूं। क्योंकि ये मनुष्य प्रकृति ही नहीं है, जबकि अन्य कोई जानवर होंगे, कुत्ता होगा, इत्यादि होगा, तो वो जाके इसको खा लेगा, क्योंकि ये उनकी प्रकृति का हिस्सा है, ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया है। और मुझे नहीं लगता कि मनुष्य कभी ऐसा सोच भी सकता है। ये बहुत कॉमन चीज है जो मैंने शेयर किया है। वहीं इसके उल्टे अगर आप जाएंगे कहीं पे, जैसे कि एक आम के बगिया में चले जाइए, अभी गर्मियों का मौसम है, तो आपका जाते से मन होगा कि क्यों ना मैं इस आम को तोड़ के खा लूं। या कहीं लहलहाते खेतों में देखेंगे आप, तो आपका मन होगा जाऊं एक फोटो खिंचा लूं वहां पे। तो हम प्रकृति, अपना जो हमारी साइकोलॉजी है, उससे हमेशा हम शाकाहार के प्रति आकर्षित होते हैं, और हमेशा मांसाहार से घृणा का भाव होता है, चाहे वो दुनिया का कोई व्यक्ति हो। ये तो मैं आपके मानसिक उसकी बात कर रहा था। अब मैं आता हूं हमारी शारीरिक बनावट। अगर आप देखेंगे तो जो हमारे दांत हैं, आपको इस स्लाइड में दिख रहे होंगे, एक मैंने कार्निवोर यानी शेर के दांत दिखा रखे हैं और हमारे दांत दिखा रखे हैं। तो जो भी जानवर है जो मांस खाता है, उसके ये जो सामने वाले दांत होते हैं, उनको कैनाइन बोलते हैं, जो लंबे लंबे दिख रहे हैं इसमें, वो हमेशा लंबे होते हैं, ताकि वो चीर फाड़ कर सके, उस मांस के टुकड़े को खा सके। उसके सारे दांत शार्प होते हैं, आगे से लेके पीछे तक। आप अगर अपने घर में कुत्ता पाल रखा है, तो आपको खुद ही अनुभव होगा कि पूरे दांत उसके जो है शार्प होते हैं। इसी तरह अगर आप उनके नाखून देखेंगे, और हमारे नाखून है जो मैंने इस पावर पॉइंट में वो किए हैं कंपेयर, तो उनके नाखून भी बहुत शार्प होते हैं, जो भी जानवर मांसाहार करता है, जबकि हमारे नाखून उसके लिए बने नहीं है, ना मांस को फाड़ने के लिए बने हैं, मांस को चीरने के लिए नहीं बने हुए हैं। आप देख सकते हैं इस पावर पॉइंट में भी। और हम आगे बढ़े, एनाटॉमी में जाएं अपनी, तो हमारा जो मुख का मूवमेंट होता है, वो ना सिर्फ ऊपर नीचे, बल्कि साइड टू साइड होता है, क्योंकि जो भी शाकाहार है उसको प्रॉपर ग्राइंडिंग करना होती है, जैसे चक्की में पीसा जाता है खाना, ऐसे ग्राइंडिंग की जाना आवश्यक होती है उसके डाइजेशन के लिए। तो उसका डाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम खाने को अच्छे से चबाएं, जबकि जो मांसाहारी जीव होता है, वो बस मुंह से फाड़ता है, और ज्यादातर वो ऐसा का ऐसे ही निकल जाता है खाने को छोटे टुकड़ों में। तो जो स्टमक होता है, उसका पीएच इतना कम होता है, इतना एसिडिक होता है, कि वहां पे जाके वो डिसॉल्व होता है। हाँ, दूसरी बात जो होती है, उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी कि छोटी आंत जिसको बोला जाता है, वो हमेशा जानवरों का छोटा होता है, क्योंकि मांस जब भी ट्रांजिट करेगा हमारे शरीर से, तो मांस को बहुत जल्दी शरीर से बाहर निकालना होता है। मांस सड़ता बहुत जल्दी है, अगर कहीं कोई डेड बॉडी पड़ी है, तो उसमें 7-8 घंटे में दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, इसलिए बर्फ पर रखी जाती है। तो उनका जो इंटेस्टाइन होता है, वो छोटा होता है। ये दोनों मैंने कंपेयर किए हैं, जहाँ एक शेर का 5 फिट होता है, हमारा 20 फिट होता है। और ऐसे में अगर हम लोग मांस भक्षण करते हैं, तो कई बार ये मांस के टुकड़े फंसे रह जाते हैं, और ये सड़ जाता है हमारी अंतड़ियों में जाकर, और जिसके कारण कई बीमारियां, जैसे जो इंटेस्टाइन के कैंसर हैं, कॉलोन के कैंसर हैं, ये इस कारण पैदा होते हैं।
इसके अलावा जो डिफरेंट एंजाइम्स है, ये मॉलिकुलर लेवल पे स्टडीज हुई है, वो भी एक कार्निवोरस और एक हर्बीवोरस, यानी कि जो शाकाहारी है उसमें बहुत उसमें अंतर होता है। अगर हम मांसाहार ज्यादा लेते हैं तो सड़ता भी है, हमारे इंटेस्टाइन में फंसता भी है और बाद में कई प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। अब सब लोग एक बात और बोलते हैं जो मांसाहार का सपोर्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है कि कोई बड़ा जानवर जो है वो छोटे जानवर को खाएगा। तो एक प्रकृति का और नियम है कि जो बड़ा जानवर है वो छोटे जानवर को खाता है। जो मांसाहारी हमारे मित्र हैं वो ये तर्क देते हैं कि जो शक्तिशाली वो तो कमजोर को खाएगा ही खाएगा। तो अगर आप जंगल में देखें तो जो भी मांसाहारी जानवर है वो शाकाहारी को प्रॉपर भागने का मौका देता है, शाकाहारी जानवर स्वतंत्रता से रहता है और उसके पास पूरा अवसर होता है कि अपनी जान बचा सके। ये एक प्राकृतिक रूप से साइकिल ऑपरेट होती है जो प्रकृति का बैलेंस है। परंतु आप मनुष्य को देखिए, जो मनुष्य वो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करता है, हमने पोल्ट्री को इंडस्ट्री बना दी है। ये आपको फोटो दिख रहा होगा कि कैसे हम एक छोटे से एरिया में हमने यहाँ पे मुर्गियां रख दी हैं, ना उनको प्रॉपर सनलाइट है, ना वो मूव कर सकती है, क्योंकि हम तो अब इसको भी पोल्ट्री इंडस्ट्री बोलने लगे हैं, इसको फैक्ट्री फार्मिंग बोलने लगे हैं। उनके जो जानवरों की भावना है, जो जानवरों का बेसिक राइट है, उसका भी कोई यहाँ सम्मान नहीं। मैंने ये पोल्ट्री फार्म की फोटो डाली है, उसी तरह जब इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो पूरी तरीके से बांध के किया जाता है कि कहीं भाग ना जाए, जो कि जो प्राकृतिक साइकिल है, जो एक मांसाहारी जीव खाता है तो वो फुल स्वतंत्रता देता है उसको भागने की बचने की, लेकिन हमने इसको पूरा बाउंड कर दिया है। तो आप लोग जब भी रोड पे जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे ट्रक में छोटे छोटे पिंजरों में जानवरों को भर के लिया जा ले जाया जा रहा है। हमने सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार इनको एक्सप्लॉइट किया है और ये एनिमल फार्म से बहुत डिस्ट्रेस में रहते हैं। इनको कई प्रकार के हार्मोन दिए जाते हैं ताकि इनकी ग्रोथ जल्दी हो। इस पर भी साइंटिफिक स्टडीज है काफी सारी कि उसका कितना बुरा प्रभाव होता है। तो जो ये तर्क देते हैं आप उनको ये बता सकते हैं कि जो भाई शक्तिशाली खाता है कमजोर को तो वो हमेशा उसको मौका देता है, लेकिन मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार हर जानवर को एक्सप्लॉइट करने में लगा है। आगे आप देखेंगे इन्हीं को कत्लखानों में, आप देखेंगे जो मांस की दुकानें होती है शहरों में, वहां ये छोटे छोटे पिंजरों में रहते हैं। ये दोनों पिक्चर भारत के हैं, मैंने नेट से लिए। दूसरा पिक्चर देखिए, बकरी है उसका बच्चा बंधा हुआ है और वो बस कटने को तैयार है। तो ये जब देखते हैं ये सब अपनी आंखों के सामने तो बहुत ज्यादा इनमें स्ट्रेस होता है और ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो इनके मांस को और ज्यादा जहरीला बना देते हैं, उसी को हम खा लेते हैं। तो मनुष्य अगर जो मांस खा रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई शक्तिशाली कमजोर को खा रहा है, मनुष्य ने तो इनको बिल्कुल ही अपने हिसाब से इनको इंडस्ट्री, इनको मटेरियल ऑब्जेक्ट बना दिया है, जबकि इनके अंदर इनकी आत्मा है, इनके अंदर इतनी भावनाएं होती हैं, हर जानवर की एक पर्सनालिटी होती है, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए पॉल मैकार्टनी है, उन्होंने बोला है कि अगर स्लॉटर हाउस जो बूचड़ खाने अगर हम उनपे शीशे की दीवारें लगा दें तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति मांसाहारी नहीं रहेगा। जब आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि कैसे जीव कट रहा है, कैसे वो पीड़ा से जा रहा है, कैसे उसको भावनात्मक रूप से वो रोने लगता है जानवर, कहा जाता है कि जानवर बिल्कुल एक जो 1.5-2 साल का बच्चा है ना उसकी तरह रोता है जब अपने मित्र को कटते हुए देखता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया का कोई व्यक्ति मांसाहारी नहीं होगा, अगर हम कांच शीशों की ये लगा दे जहां से आर पार दिखता हो। और US में एक ऑपरेशन ग्लास वॉल हुआ था, आप नाम नोट कर ले, ऑपरेशन ग्लास वॉल, ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जो स्लॉटर हाउसेस है वहां पर। तो वहां देखा गया था कि वहां तो इंडस्ट्रियल लाइन की तरह जानवरों को काटा जाता है, बांध दिया जाता है, वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं, कई बार जानवर बेचारा कटता भी नहीं और उसको वैसे ही उसकी खाल निकाल दी जाती है। वहां के वर्कर बोलते हैं कि इतना टाइम ही नहीं, क्योंकि अगर एक जानवर के लिए लाइन रुकी तो आगे वाले कट नहीं पाएंगे और प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वी आर जस्ट वर्किंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम इसको रेड रिवॉल्यूशन पिंक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हम अपने जीवों का हाल कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एनाटॉमिकली भी हम नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली जो हमारी संरचना है वो भी मांसाहार की नहीं है, जो हमने बिहेवियर एस्पेक्ट बताया हम कभी भी कोई जानवर को भागने का मौका नहीं दे रहे, तो वैसे भी हम मांसाहारी नहीं है पर पूरे शाकाहारी हैं। और मोरल ग्राउंड पर भी देखें तो बहुत अनएथिकल है, क्योंकि जो जानवर है जिसको शुरू से ही मांस के लिए बड़ा किया जाता है, जिसको बोला जाता है कि भाई इसका मांस खाना है, उसके साथ बचपन से ही उसको बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है, कई इंजेक्शन देके उसको ग्रोथ किया जाता है, लोग लात मारते हैं क्योंकि सबको मालूम है कि इसको काटना ही है आज से 6 महीने बाद। तो बचपन से ही बेचारा बहुत सहता है और ये मोरली रॉन्ग है। इसी तरह उसकी जो प्राकृतिक साइकिल है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। उसकी एक साइकिल होती थी कि वो इस एज में ये माइलस्टोन अचीव करेगा, इतना बड़ा होगा,
उसके बाद बच्चे पैदा करेगा। एक बात और है कि इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बहुत ज्यादा होता है, जो प्रकृति का डिग्रेडेशन है वो मास इंडस्ट्री कई गुना ज्यादा करती है, और ये मैं अभी आगे आपको वैज्ञानिक रूप से बताऊंगा। तो एनर्जी का एक नियम है जिसको बोलते हैं लिंडमैन लॉ ऑफ 10%, यानी जितनी एनर्जी एक पौधा सूरज से अब्सॉर्ब करता है उसकी सिर्फ 10% अगले लेवल पे जाती है, जो शाकाहारी जीव उस पौधे को खा रहा है उसकी सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। तो सपोज सूरज से एक पौधे ने 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा ली, तो जो अगला लेवल होगा उसपे सिर्फ 1,000 किलो कैलोरी जाएगी। वो 1,000 किलो सपोज उसने सूरज से 1,000 किलो कैलोरी प्रोड्यूस की जो इस डायग्राम में है, तो अगले लेवल को सिर्फ 100 किलो कैलोरी मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे खरगोश बना रखा है मैंने पीले वाले में, तो जब इसकी 1,000 किलो कैलोरी थी तो इस खरगोश में ली तो उसको सिर्फ 100 किलो कैलोरी मिली। इस खरगोश को कोई मांसाहारी जीव खाएगा, ये मनुष्य भी हो सकता है कोई और हो सकता है, तो उसको सिर्फ इसकी 10% ऊर्जा मिलेगी, बाकी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है एज ए हीट, एज ए बॉडी के जो भी फंक्शंस है, उसको सिर्फ 10 किलो कैलोरी मिलेगी। इसको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अब अगर एक मनुष्य वो डायरेक्ट इस गाजर को खा रहा है जो इस में है, जो इस डायग्राम में बता रखी है, तो उसको आप देखिए जो पौधे ने 1,000 किलो कैलोरी ली थी उसको 100 किलो कैलोरी मिल गई ऊर्जा, लेकिन वही वो जब इस खरगोश को खाएगा तो उसको सिर्फ 10 किलो कैलोरी मिलेगी सेम गाजर से। अब उसको अगर 100 किलो कैलोरी बनाना है तो उसको 10 गुना ज्यादा जो ये यहाँ पे गाजर बनाई हुई है या जो भी प्लांट है उसको खाना पड़ेगा। तो एक हमारे मांसाहारी में त्रिय तर्क देते हैं कि भाई हम जानवरों को खा के पौधों की जान बचा रहे हैं, तो उनको आप स्पष्ट बोलिए कि भाई आप अगर जिस ट्रॉफिक लेवल पे आप हैं, आप अगर आप मांसाहार खा रहे हैं तो आप और ज्यादा पौधों का नुकसान कर रहे हैं। यहाँ 8 पौधों को खा के जब मुझे 10 किलो कैलोरी मिल रही थी अगर मैं मांस खाता था तो, और अगर मैं मांस नहीं खा रहा हूँ तो मुझे 100 किलो कैलोरी मिल रही है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आ गया तो आप आगे मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह एक वाटर अपटेक होता है कि कितना अगर हमको प्रोडक्शन करना है 1 किलो का, ये UN की रिपोर्ट है और कई इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। क्योंकि जब फसल पैदा होती है तो उसको पानी दिया जाता है, बीजों को बोया जाता है, कंटिन्यूसली वाटर दिया जाता है, तो उसमें टोटल पानी कितना लगता है, तो 1 किलो जहां आप देखेंगे कि आलू या सेवफल के लिए सिर्फ 700 से 900 लीटर लगता है पानी, वही अगर आप मांस पे जाएंगे तो ये उससे कई गुना ज्यादा है, 15,500 है। ये एक्चुअली US का डाटा है। पॉर्क मीट उसमें और ज्यादा पानी लगता है, क्योंकि उन पौधों को तो आपको पानी देना ही देना पड़ेगा जो इन जानवरों को खिलाया जाएगा, उसके अलावा जब ये जानवर बड़ा होगा इसको भी पानी देना पड़ेगा, और मीट इंडस्ट्री में साफ सफाई हाइजीन मीट प्रोडक्शन के टाइम बहुत ज्यादा पानी लगता है। तो इस तरह से हम बहुत ज्यादा ये भी नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वाटर लग जाता है। ये मैं इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि जो शाकाहार है वो कैसे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी है। इसी तरह ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन का डाटा है, GHG पे बहुत बात चल रही है, उसमें भी आप देखेंगे कि जो वीगन है या जो वेजिटेरियन है उनका अगर नेट ग्रीन हाउस एमिशन हम निकालें जहां से खाना प्रोड्यूस होता है और जहां तक हम खाते हैं तो बहुत कम है, लेकिन जो मीट खा रहा है वो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि पूरी प्रोडक्शन लाइन बहुत बड़ी हो जाती है। उन जानवरों के लिए पहले जंगलों को काटा जाता है, वहां पे खेत बनाए जाते हैं, जो कॉर्न है पूरा वो सिर्फ US में सिर्फ कॉर्न और इस मीट के लिए खिलाया जाता है, वहां सुअरों को कॉर्न खिलाया जाता है, तो उसके लिए जंगलों को साफ किया जाता है और वहां कॉर्न की फसल, कॉर्न यानी भुट्टा, उसका एक मॉडिफाइड रूप होता है। तो आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन मीट खाने से बहुत ज्यादा होता है। आगे आप देखेंगे कि कितना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। मैंने जैसे बताया कि जब जंगल काट के हम फसल उगाते हैं उन जानवरों को खिलाने के लिए जिनको हम स्लॉटर हाउस में काटेंगे, तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन होता है, और यहाँ सिर्फ वो फिर 10% रूल आता है मैंने आपको जो बताया, क्योंकि जब हम मांस खा रहे हैं तो एनर्जी हमको कम मिल रही है, तो हमको ज्यादा जो जीरो हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है उस पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे उगाने पड़ते हैं, बहुत मासिव स्केल पर डिफोरेस्टेशन होता है। इसके अलावा जहां पे भी स्लॉटर हाउस है वो शहर से जाइए या उस जगह से जाइए आप वहां से निकल नहीं सकते हैं, वहां की सॉइल भी पॉल्यूटेड होती है, वहां का पानी भी पॉल्यूटेड होता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जहां स्लॉटर हाउस बनता है वहां की जमीन बंजर हो जाती है बिल्कुल। ये US की स्टडीज है, इंडिया में इस पर कोई इतनी स्टडी हुई नहीं है, और रिसोर्स इतने लैक कर रहे हैं उसके चक्कर में, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, हमारे जानवर एक्सटिंक्शन पे जा रहे हैं, जानवर खत्म हो रहे हैं, पानी के जो रिसोर्सेज हैं कई ऐसे अब ओशियन है जहां से कई मछलियां थी जो गायब हो चुकी हैं, इस कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और फिर प्रकृति का अपना तरीका होता है अपने आप को रिचार्ज करने का, तो फिर प्रकृति लाती है अलग अलग प्रकार से और रिचार्ज भी कर लेती है जब बहुत ज्यादा डिवास्टेशन होने लगता है। अब मैं आऊंगा कि
क्या बेनिफिट है वेजिटेरियनिज्म के हमारे स्वास्थ्य को लेके। मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक रूप से तो बहुत फायदेमंद है ही, इसके अलावा भी कई हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कई बड़ी बीमारियों से बचाते हैं हमको। तो सबसे पहले तो वेजिटेरियन फूड जो होता है वो लो इन फैट होता है। आप कोई भी इंटरनेशनल जर्नल चले जाइए, उसमें फैट जो है वो एसोसिएटेड होता है बहुत सारे कैंसर से, ऑलमोस्ट मैक्सिमम कैंसर के साथ हाई फैट कंटेंट जो बॉडी का है वो एसोसिएटेड होता है। कोलेस्ट्रॉल वेजिटेरियन फूड में मिनिमम होता है, कोलेस्ट्रॉल से आपको मालूम है कि कितनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है। वेजिटेरियन फूड हमेशा रिच इन फाइबर होता है और फाइबर का काफी हमारे डाइजेशन से लेके बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा प्रभाव होता है। फाइटोकेमिकल्स होते हैं, लाइकोपीन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को बचाव करते हैं, और साइंटिफिकली जो प्रोवन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक बात और बोली जाती है कि भाई जो मीट है उससे प्रोटीन नहीं मिलता, तो ये मैंने बताया कि सारे प्रोटीन सोर्स हैं अच्छे, दाल हो गई, बनाना हो गया, चिकपी होती है जो वो हो गई, राजमा हो गया, इन सब में सफिशियंट प्रोटीन होता है। अब वैसे कई मांसाहारी बोलते हैं कि तुम मांस नहीं खाओगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि कोई मेरे अंदर खून भी है उसके लिए मुझे खून पीने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस जानवर की जैसी प्रकृति है अपने आप बॉडी वहां से जो उसको आवश्यक है वो निकाल लेती है। और आप विश्व के सबसे संसार के सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर है जो घोड़ा है जिसके नाम पे हॉर्स पावर है, वो प्योरली शाकाहारी होता है। तो हमारी बॉडी का ये इनहेरिट मेटाबॉलिज्म होता है कि हमको क्या न्यूट्रिएंट उससे निकालने हैं। और मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से हम शाकाहारी हैं, तो जब हम मांस खाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। अब शाकाहारी डाइट के जो ये सारे रिकॉर्डेड है, इन पे सारे रिसर्च पेपर्स हैं, वो मैं हेल्थ बेनिफिट बता रहा हूँ। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि शाकाहारी व्यक्ति को एक मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। एक केमिकल होता है अरेगिडोनोइक एसिड जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मूड स्विंग्स के लिए, जो एनिमल प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, मांस इत्यादि में। तो हमेशा शाकाहारी खाना जो है वो हमें मेंटली और भावनात्मक रूप से स्टेबल बनाता है, जो कि हमारी आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्टेबल नहीं है तो वो ना ध्यान योग में उसका मन नहीं लगेगा। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल डिजीज है जैसे कि ओबेसिटी हो गई या फिर डायबिटीज हो गया, इन सबसे ये रिसर्च में है कि जो वेजिटेरियन डाइट्स पे होते हैं उसका रिडक्शन होता है। और ये वन ऑफ द रीजन है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो वीगन या वेजिटेरियन डाइट पे जा रहा है। कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मैंने आपको बताया, ये जो प्लेक हमारी हार्ट की वेसल्स में जम जाते हैं उनको जमने से रोकते हैं, तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बनाता है। जो हमारी किडनी की हेल्थ है, क्योंकि किडनी जो होती है वो प्रोटीन के जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल होता है उसका, और ज्यादा मांस खाने से वहां का पीएच बहुत ज्यादा वैरी करता है। तो जो किडनी यानी रीनल हेल्थ है उसमें भी शाकाहारी खाने का बहुत पॉजिटिव रोल है। वहां के पीएच को इतना मेंटेन करता है, पीएच यानी जिससे हम एसिडिटी नापते हैं, ताकि स्टोन इत्यादि बीमारियां बच जाती है। स्किन पे इसका मल्टीपल प्रभाव है। अभी सोरियासिस पे मैंने रिसेंट एक रिसर्च पेपर पढ़ा कि जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है उसमें बहुत कमी होता है। कैटारैक्ट है, उस पर आज भी रिसर्च चल रहा है कि उसके क्या कारण है, लेकिन ये भी देखा गया है कि जो शाकाहारी है, जो एवरेज पॉपुलेशन ऑफ कैटारैक्ट है इंडिया के वेजिटेरियन पॉपुलेशन में, उसमें कैटारैक्ट की जो एज है वो काफी कम है, जो स्ट्रोक होता है उसको ये रिड्यूस करता है। और ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का भी एक रिसर्च है कि शाकाहार हमारी सारी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल कर लेता है। तो मैंने वही बताया कि ये गुड हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारी जो बीमारियां उनको भी कम करता है, और जो हमारे अभी के हेल्थ कंसर्न है उनके बेटर मैनेजमेंट के लिए शाकाहार बहुत आवश्यक है। अब मैं अध्यात्म पे आऊंगा। तो जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग जाप देते हैं या जो उस तरफ है, वो जानते होंगे कि अच्छे से ध्यान करने के लिए या डीप मेडिटेशन के लिए हमारे शरीर का हल्का होना बहुत आवश्यक है। एक प्राकृतिक रूप से फ्लो होना चाहिए शरीर में, कि जैसे हवा में हम तैर रहे हैं, और उसके लिए हमको बहुत ही अनलोडिंग डेड शरीर चाहिए। जबकि जब भी आप मांसाहार जो भी व्यक्ति करता है हमेशा एक शरीर में भारीपन होता है, इसीलिए हमारे यहाँ व्रत उपवास का भी बहुत महत्व है, ताकि शरीर को हल्का रखा जा सके और ध्यान किया जा सके। हमारे साधु संत इतना ध्यान देते हैं कि व्रत क्यों रखना है, उपवास क्यों रखना है, इस स्थिति पे ये उपवास रखना है, इस स्थिति पे ये खाना है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा, मन वाली बात है। तो हमारी आध्यात्मिक बहुत जरूरी है, और एज ए डॉक्टर मैंने देखा है काम होता है ना, वो कोर होता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो हमारा इमोशनल स्वास्थ्य हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति इम्पावर्ड है, आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति मजबूत है, तो उसका प्रभाव एक पॉवर के हर क्षेत्र में पड़ता है।
तो ये बात थी। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जब एनिमल मरता है, कोई भी जानवर है, हमें भी हमारे किसी मित्र को हमारा हटा जाएगा और हमें मालूम है कि अगला हमारा नंबर है, हमारे अंदर भी गुस्सा आएगा, हमारे अंदर भी एक हिंसा की भावना आएगी, हमारे अंदर भी एक टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, वैसा सब कुछ उसके अंदर होता है। उसके अंदर एक घृणा का भाव आने लगता है, उसकी बॉडी ये बचाव के कारण जहर अंदर टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। हमारे एड्रेनालिन रश बोला जाता है कि जब भी स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी एक अलग टाइप से रिएक्ट करने लगती है, आपने खुद भी अनुभव किया होगा ये। तो ऐसे जहरीले तत्व उसके शरीर में आ जाते हैं और जब आप वैसा खाते हैं तो वो आपके शरीर में जाते हैं और वही एक नेगेटिव, वही एक जहरीली ऊर्जा आपके शरीर में जाती है, तो वो बहुत उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं होता बल्कि बहुत नकारात्मक होती है वो हमारे शरीर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉनवेज को प्रमोट करने के लिए पूरे संसार में ये बहुत बड़ी मीट लॉबीज है जो ऑपरेट करती हैं। ये एक डाटा है कि मीट के प्रमोशन के लिए लोग कितना पैसा देती है, चाहे वो KFC हो, चाहे वो मैकडोनाल्ड हो, या बड़ी बड़ी, ये जो लाल वाली है ये है कि जो मीट प्रमोशन के लिए लोग पैसा देती है कि मीट में ये प्रोटीन है, मीट में ये न्यूट्रिशन है, क्योंकि इनके बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, बड़े बड़े फार्म्स बोलूंगा उनको, इंडस्ट्रियल फार्म्स है जहाँ पे जानवर रखे हैं। अगर मीट बंद हो गया तो इनका पूरा रोजी रोटी चली जाएगी। जबकि ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है बहुत कम वेजिटेरियनिज्म के प्रमोशन के लिए जाता है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ी लॉबी नहीं है, बहुत ऑर्गेनाइज वे में शाकाहार को प्रचार प्रसार नहीं मिल रहा है, इसीलिए काफी रिसर्च भी ये मीट लॉबीज फंड करती हैं और ये चाहती है कि ये ऐसे ऐसे रिसर्च लेके आए ताकि लोगों को ये लगा रहे कि नहीं नहीं मांस खाना है। जबकि मैंने कोशिश की है आपको हर प्रकार से समझाने की कि हम प्राकृतिक रूप से भी शाकाहारी हैं और जो मांस हम खा रहे हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल यानी काट के जानवर को रख के, वो ना सिर्फ क्रूर है अपितु वो जहरीला बहुत है। तो ये इनका वो है, और मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, मैं स्वयं भी शाकाहारी हूँ, कि आप लोग अगर शाकाहार का समर्थन करते हैं, आपकी जीवों के प्रति दया है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जेब का एक भी रुपया किसी ऐसी जगह ना जाए जहां पे जीव हत्या हो, जहां मांसाहार परोसा जाता हो। वो भी अल्टीमेटली अगर मैं मैकडोनल्ड का एक बर्गर खा रहा हूँ, भले ही वो शाकाहारी है, तो वो अल्टीमेटली उसी के प्रॉफिट में जाएगा, वो उन्हीं की चेन बढ़ेगी और एक ऐसा रेस्टोरेंट खुलेगा जहां पे फिर जीव हत्या होगी, जहां पे फिर नॉनवेज लाया जाएगा। तो एथिकल मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमको शाकाहारी तो होना ही है, और साथ साथ में ये भी इंश्योर करना है कि शाकाहार प्रमोट हो। और मैं जब भी, मैं अभी आपको इंसिडेंस बताता हूँ कि एक मित्र की शादी थी मेरी जहाँ पे मांसाहार परोसा जाना था, परंतु मेरी धर्मपत्नी ने बोला कि हम वहां आ नहीं पाएंगे क्योंकि वहां तो नॉनवेज परोसा जाएगा, और बाद में उसने पूरी शादी शाकाहारी की वहां पर, तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ। मैं अभी एक फ्रेंड की शादी में रांची गया होता और मैंने वहां मांसाहार था, तो मैंने बिल्कुल वहां भोजन नहीं किया, क्योंकि हमको स्ट्रांगली ना सिर्फ अपने लिए, इन जानवरों के अधिकार के लिए भी, और संपूर्ण प्रकृति के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के बचाव के लिए लड़ना होगा। और आप देख रहे हैं कि प्रकृति कैसे बैलेंस करती है। जो कोरोना वायरस से सोचिए, वायरस को बोला जाता है कि ये तो लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, उसके बीच का है। इतना छोटा सा एक वायरस उसने पूरे संसार को हिला कर दिया, पूरे संसार को हिला के रख दिया। तो फिर प्रकृति के अपने बैलेंसिंग एक्ट्स होते हैं। तो हमेशा खुद शाकाहारी भी बने और एथिकल, फिजियोलॉजिकल, शारीरिक स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बनना, और कोई भी जानवरों को यातना देने वाला अगर कार्य है तो हमको उसका भागीदार नहीं बनना चाहिए। कई लोग बोलते हैं भाई ये तो मेरा चॉइस है कि मैं नॉनवेज खाऊंगा, तो आपका चॉइस तब तक चॉइस है जब तक आप किसी जीव को नुकसान नहीं कर रहे हैं। और जब मैं किसी जीव की जान ले रहा हूँ तो ये मेरा कोई पर्सनल चॉइस नहीं बनता, फिर तो ये मैं उसके राइट का उल्लंघन कर रहा हूँ। इसको बोला जाता है स्पीशीज़म, यानी कि एक स्पीशीज जो है वो दूसरे पे हावी हो रही है, क्योंकि कल को अगर हमसे स्ट्रॉन्ग एक स्पीशीज आ गई तो फिर पता चलेगा कि हम भी स्लॉटर हाउस में जाएंगे लाइन का और हमको भी काटा जाएगा, और फिर वो अगर ये बोलेगी कि नहीं ये तो मेरा चॉइस है, तो ये फिर बहुत गलत बात है। और अभी हमने कोरोना काल में देख लिया है कि कैसे हम लोग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये आवश्यक है कि हमारी चॉइस किसी के राइट्स पे इंफ्रिंज ना करें, और इन जानवरों की सबकी एक पर्सनालिटी होती है, और ईटिंग मीट कभी भी पर्सनल चॉइस नहीं हो सकता है। धन्यवाद।